डिवोशन की है, और उसमें शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को समझ में आज तक नहीं आया कि क्यों होता है ऐसा, कि वीनस एग्जॉल्टेड जबकि वो भोग का ग्रह है। इट्स अबाउट लग्जरीज एंड मनी एंड ऑल द गुड थिंग्स, एंड पाइसेस इज लाइक ना ना, तो लेटिंग वो तो गो, आपका लेटिंग लिमिटेशन है गो। ना समझने का कि पाइसेस समर्पण है। किसने कहा? मीन राशि भोग की राशि भी है, कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि है ना। प्राइवेट मैटर्स है सीक्रेटली जो आप करते हैं, वो लॉसेस भी है, वो एक्सपेंडिचर भी है, फॉरन भी है। कुंडली का 12वां भाव जो सारी चीजें हैं वही मीन राशि भी है। 12वां भाव भी तो ध्यान है, एकांत है, जेल भी तो है वो। वैसे ही 12वां मीन राशि भी वो सब है। इसका मतलब ये नहीं कि मीन राशि के अंदर सिर्फ चीजें हैं, उसमें लॉसेस भी होते हैं, उसमें डुअलिटी भी है, नहीं, हाँ, समर्पण है। परंतु अब वीनस रिलेशनशिप का कारक है, आपके रिलेशनशिप और पत्नी का कारक है, आपकी शादी का कारक है, प्यार का है, रोमांस का है, उसमें समर्पण जरूरी है। ये इंडिकेशन देता है कि प्यार में डिवोशन, लव रिलेशनशिप में, शिफ्ट में, जिसका भी आप, आपका जो भी रिलेशनशिप है, आपका जो पार्टनर है, उसमें समर्पण सबसे पहला एक एक चीज है जो होनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं काम करेगा। इसीलिए वीनस एग्जॉल्टेड समर्पण की राशि में होता है। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, वीनस लक्ष्मी है, मीन राशि विष्णु जी के चरण है, कंप्लीट सरेंडर विदाउट इफ एंड बट। मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारा पास्ट क्या था, मुझे मतलब नहीं है तुम कैसे हो, तुम जैसे भी हो बस मेरे हो, दुनिया जो भी कहे तुम ऐसे हो तुम। दैट इज आपको रिलेशनशिप में समर्पण, वही तो लैक है ना आज की डेट में, समर्पण नहीं है ना। देयर इज अ लैक ऑफ डिवोशन, डाउट्स ज्यादा है। अच्छा तुम कितना कमाओगे? अच्छा कमा लोगे कि नहीं कमा लोगे? 70,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, बहुत सारे चॉइसेस हैं आज। समझदारी आ गई, वर्गो आ गया है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा। पहले क्या था? ब्लाइंड फेथ है भाई, शादी हो रही है, किससे हो रही है पता ही नहीं है, शाम को देख रहा है मेरी पत्नी ऐसी इतनी सुंदर है, ठीक है ना। क्यों रविंदर जी? रविंदर जी ने अपनी पत्नी को ही नहीं देखा शादी से पहले, शादी वाले दिन देखा। ये होता है कंप्लीट डिवोशन, बस ठीक है जैसी मिल गई। इज अ लव इज ब्लाइंड, क्यों कहते हैं लव इज ब्लाइंड? ये वीनस एग्जॉल्टेड, ये वीनस एग्जॉल्टेड की एक अलग परिभाषा है। वीनस एग्जॉल्टेड भोग भी ले जा सकता है, वीनस 12वें में है, बहुत ज्यादा भोगी बना दिया। ही इज ऑलवेज इन टू सेक्स, फिजिकल प्लेजर, वुमेन्स, एवरीथिंग, एवरीडे। वो एक अलग कॉम्बिनेशन है, वो एक अलग चीजें हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ वीनस 12वें भाव में है या मीन राशि में, पत्नी जेल में है, पत्नी कोई कांड किया होगा इस तरीके से, वो अलग मैटर है कि वो इस तरीके का कुछ काम करती है या नहीं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपकी पत्नी के अंदर डिवोशन है, पाइसीज है, वो ऐसी जगहों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जहां पे संगम है, जहां पे सागर मिलते हैं, नदियां मिलती हैं, मतलब वो सीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो बहुत इंट्यूटिव है, इंट्यूशंस है उनके अंदर। आपका वीनस मीन राशि का है, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं किसी, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, सडनली उसका फोन आ गया, दैट इज वीनस इन द 12th हाउस और वीनस इन मीन राशि। अरे वो क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी, इतने को फोन आ गया, मेरे बाबू ने खाना खाया खाया, ठीक है, दैट इज वीनस इन मीन, वीनस एग्जॉल्टेड। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है ना, आप मेरी बात समझे? वो इंट्यूशन पे चल रहा है रिलेशनशिप, उसको फील हो रहा है, वो इंट्यूटिव, वो टेलीपैथिक कनेक्शन हो गया, टेलीपैथी, दैट इज अ मीन राशि। आप मेरी बात समझे? तो वीनस एग्जॉल्टेशन, वीनस भोग ही नहीं है, वीनस एक अटमोस्ट डिवोशन है, सरेंडर। वीनस आपको जैसे श्री राम कृष्ण परमहंस जी, वीनस एग्जॉल्टेड मीन राशि में, कंप्लीटली सरेंडर। किसका? एक फीमेल डीटी, एक माँ काली की तरफ। क्यों? क्योंकि सैटर्न का डिस्पोजिटर होके बैठा हुआ है, शनि का राशि स्वामी होके बैठा हुआ है, सैटर्न लिब्रा में है तो शनि की एनर्जी, इसीलिए वो माँ काली की तरफ सरेंडर करते हैं, वो डिवोशन रखते हैं प्योरली, और उनको मैनिफेस्ट भी हो रहा है फिर लोग
किसी ने देखा कि उनको जो है माँ काली खाना खिला रहे, माँ काली को खाना खिला रहे हैं। ये जो डिवोशन आता है वो श्री कृष्ण और राधा और वो मीराबाई, ये सब मीन राशि का कमाल है। यहां मीन राशि एक तरह, क्योंकि ये कुंडली के अंदर 12 भाव और 12 राशियों में ही पूरा संसार और ब्रह्मांड है, सारी ऊर्जाएं इसी में है। किसकी लाइफ में कैसे ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है वो उसके कॉम्बिनेशंस, प्लेसमेंट, दूसरी चीजों पे निर्भर करती है। हर प्लेसमेंट, हर कंजंक्शन, हर युति, हर योग दूसरे योग से जुड़ा हुआ होता है। मैं ये कहूं लग्नेश 12वें में है, व्यक्ति फॉरन में जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि लग्नेश 12वें में, लेकिन 12वें ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। लग्नेश 12वें में है, बहुत ध्यान, बहुत दानी प्रवृत्ति है, बहुत देने वाला है, अपना भी दे देता है, अपने पास कुछ नहीं है, बस देने के लिए पैदा हुआ है दूसरों को। लेकिन शनि लग्नेश 12वें वाला बहुत भोगी भी बनाता है, फिर भोग में रहता है वो। ये डिपेंड डिपेंड्स ऑन कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। हमीर बात समझे, तो शुक्र एग्जॉल्टेड डजन मीन कि शुक्र सिर्फ भोग का कारक, शुक्र एक अटमोस्ट, शुक्र एग्जॉल्टेड 12वें भाव में ये इंडिकेशन देता है कि आप इन्वेस्टमेंट से, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट है, मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट से कैसे आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको आपने दान भी देना है, ये इंडिकेशन दे रहा है। आपने दूसरों की मदद भी करनी है और उसको सर्कुलेट करना है, खर्चा भी करना है लेकिन उसको सर्कुलेट भी करना है, इससे आपका धन बढ़ेगा। इसीलिए वो अपने से 11वें में एग्जॉल्टेड हो जा रहा है, अपने से 11वें में एग्जॉल्टेड हो रहा है और काल पुरुष कुंडली के 12वें में एग्जॉल्टेड हो रहा है। तो दोनों चीजें हैं, व्यय भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन लाभ भी है। यही तो इंडिकेशन देता है वो, और यही इंडिकेशन देता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा मनी मैनेजमेंट आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसलिए महिलाएं घर की लक्ष्मी है, इसलिए जो भी खर्चे करने हो, कैसे करने हो, कहाँ करना है, आप उनसे पूछें जरूर। बाकी आप उनको बाजार ले जाइए कि वो कहेंगे कि मुझे सिर्फ झाड़ू खरीदना है, ठीक, लेकिन वो झाड़ू खरीदेंगी, ठीक है, फिर वो डोरमैट खरीदेंगी, फिर वो कपड़े खरीदेंगी, फिर वो बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगी, फिर वो आपके लिए भी कपड़े खरीदेंगी, फिर वो जूते खरीदेंगी, फिर अपनी मदर के लिए खरीदेंगी, है ना। शुक्र एग्जॉल्टेड है ना मीन राशि में, ठीक है, फिर सामने किसी का सूट दिखा दिख गया है ना कि अच्छा भाई, अच्छा कुर्ता लग रहा है, अच्छा आजकल लेटेस्ट है ना, ये तो मुझे भी चाहिए, फिर वो भी खरीदेगी। यानी 1 से पहुंच के वो 10 तक हो गया, 11 हो गया, क्योंकि शुक्र एग्जॉल्टेड होता है मीन में। लेकिन वो उनकी प्रवृत्ति है, और मैनेजमेंट जो है महिला, इसीलिए स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी है, समझना है। शुक्र एग्जॉल्टेड का मतलब डिफरेंट वेज। बताइए, अब मरकरी डेबिलेटेड, चलो मरकरी मरकरी जी विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, मोल भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी बिजनेस है ना, बनिया है मरकरी की, बुद्ध है ना कि तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे ये दूंगा, डाउट बहुत ज्यादा है, अच्छा तूने ऐसा कर दिया कि नहीं कर दिया, संशय बहुत ज्यादा है मरकरी, वो सब क्वेश्चनिंग मरकरी है। अब मीन राशि देने की है, विदाउट डाउटिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट तोल मोल कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देते हैं। इसलिए विष्णु जी क्या है, पालन करता है, उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए। देखो उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं देता हूं तो मेरे पास कुछ रहता है या मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन वीनस वही एग्जॉल्टेड हो जाता है जहां मरकरी नीच का हो जाता है, यानी कि लक्ष्मी जी किसके पास है, विष्णु जी के पास है, क्योंकि विष्णु जी क्या करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन डोनेशन करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन देते हैं कि सबको दो, पालन करता है ना, सबको दो, संचालन है, पालन है, तो सबको दो, तो चलो विष्णु बनना पड़ेगा आपको, तब आपके पास लक्ष्मी जी रहेंगी आपके चरणों में। बोलो कब आऊं, है ना, कितना, करोड़ों, ये सब इसका ये मतलब है। हाँ जी, अभिनव भट्ट जी, सवाल अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए।
अनम्यूट करिए। अगर अनएफ्लिक्टेड और एग्जॉल्टेड वीनस है पाइसेस में, तो हम उसे इस तरह से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को भाव योगी या प्रेम मार्ग का पथिक बनाएगा, मतलब बिल्कुल भक्ति मार्ग में अल्टीमेट लेके ब्लिस, जाएगा। और अमृत अगर पान। सर अगर सर सैटर्न हुआ तो कर्म योगी बनाएगा, और अगर केतु जुपिटर हुआ तो ज्ञान योगी बनाएगा, ऐसा होता है बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जुपिटर सर अगर वीनस केतु पाइसेस हुआ तो योगी और फिर भोगी सेठ हो जाता बनेगा है। ही। जुपिटर वीनस पाइसेस योगी और भोगी हो सकता है। अयोगी इज अ भोगी और भोगी इज अ योगी, दोनों कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ज्ञान योगी कर्म योगी, ये जो आपने बोला इट्स फंटेस्टिक। शुक्र छोटा मोटा, शुक्र ऐसा प्लेनेट है जो इस भौतिक संसार में भी सुख भोगते हुए, भौतिक सुखों को भोगते हुए भी आपको परमार्थ पर ब्रह्मा की तरफ आपको लेके चला जाता है। ठीक है ना, वो हर प्रकार के प्लेजर आपको दे सकता है। शुक्र इसीलिए शुक्र की महिमा है। और सर अगर केतु वहां पे है तो वो रेनन्सिएट बनाएगा, बेसिकली आपको त्यागी बनाएगा, वैरागी बनाएगा, लेकिन उसके साथ कोई और प्लेनेट ब्लेंड होना चाहिए, राइट? कि कोई एक पर्टिकुलर बल्कि मार्ग आप केतु फॉलो उससे कर लो। उससे रिलेटेड चीजों में भी वैरागी और त्यागी बना देगा। केतु वीनस पाइसिस में हो, पत्नी का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस, पैसे का दान, पैसे का लॉस, या उससे रिलेटेड चीजों में त्याग करना, छोड़ देना, उनसे दूर कर देना। ठीक है, आमिर भाई ठीक समझ, है। इंटरेस्टेड, ओके। हाँ जी, कौर जी पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन है, मुझे याद है आपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मेन राशि का लग्न जो होता है बहुत कम लोगों का होता है, और जिनका होता है वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपने ही फैमिली में रीबर्थ होता है। सो बिकॉज आप अभी सब लोग प्लैनेट्स का बता रहे हैं मेन राशि में, सब लोगों के प्लैनेट्स नहीं होते हैं मेन राशि में, राइट? सो जिन लोगों के चार्ट में मेन राशि में प्लैनेट्स हैं, डज दैट मीन कि उनका कोई प्रीवियस कनेक्शन है विद इन दैट हाउस, और यू नो लाइक कोई सिग्निफिकेंस है इसको लेकर कि नहीं? मेरा बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग है कि मीन राशि में जब प्लैनेट मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं आप उससे रिलेटेड भाव और कारक से मुक्त होने के लिए पैदा होते हैं। मतलब वो प्लैनेट आपको इसीलिए मिला है क्योंकि उससे रिलेटेड चीजों में आपको मुक्ति और एक फाइनल, एक होता ना कि वहां से एक कोई चीज खत्म हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, मतलब उसके लिए आपको त्याग, वो चीज आपको त्याग करनी है, वो चीज आपको देनी है, छोड़नी है इस बर्थ में, उससे उसके ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। ये मेरा मानना है कि मीन राशि में जब आपको प्लैनेट मिलते हैं, ठीक, ये एक इसका डायरेक्शन हो सकता है। ये कहना कि उससे पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा, ये मैंने नहीं कहा था, ये अपूर्व पाठक जी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मीन राशि वाले बहुत रेयर होते हैं। मीन राशि क्योंकि लॉस है, मुक्ति है, तो रिपीटेशन है, बेसिकली रिपीट होती हैं चीजें इसमें। तो हो सकता है कि आप एक रिपीट, आपका कोई कर्म आप पहले कर रहे थे किसी के साथ, मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड मीन राशि में है, वही पार्टनर रिपीट हो गया क्योंकि इस बार उसके साथ कुछ आपका कर्म समाप्त होना है। कई बार चीजें आपकी रिपीट इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ पेंडिंग है भाई। इसको ऐसे समझिए कि मैं मुझे कहा गया कि बाजार से आ रहे हो, सब्जी लेते आना। मैं क्या किया, मैं अपने ही कहीं खोया हुआ था, मीन राशि है ना, खोया हुआ था, मैं निकल गया उस शॉप के आगे से और मैं आगे चला। सडनली मुझे ध्यान आता है दोबारा, या कॉल आती है दोबारा, रिपीटेशन, कि अरे आप लाए क्या, नहीं आप दोबारा वापिस आए, दोबारा वापिस आए। ठीक है, इसे रिपीटेशन क्यों, क्योंकि आपका वो काम पेंडिंग रह गया, उससे मुक्त होना है। सेम जगह पे आपने कोई चीज ली वहां से और आप निकल लिए। अब हो भी सकता है कि आपको वहां पे मान लीजिए कोई और व्यक्ति मिल जाए कि अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बस आगे तक जाना है, छोड़ दीजिए, है ना। तो मीन राशि में जब प्लैनेट इंडिकेशन होता है तो हो सकता है कि आपके कुछ कर्म रिपीट ही हो रहे हो क्योंकि आपको उनसे मुक्त करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ऋण, वो ड्यूटी डिस्चार्ज करनी हो। तो डेफिनेटली देर इज अ वन पॉसिबिलिटी कि आप दोबारा वो चीज कर रही हो सेवेंथ लॉर्ड पाइसिस में, दोबारा एक रिलेशनशिप में उसी के साथ आ रही हो जिसके साथ पहले रहे हो।
ताकि आप कोई चीज खत्म करें, एंड करें, लेकिन वो एंड होगा क्योंकि मीन राशि मुक्ति की राशि, वो मुक्त करेगी आपको। समझ बात समझे। काल पुरुष कुंडली में मीन राशि 12वां भाव है, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें काल पुरुष कुंडली से निकल के आती हैं। तो मीन राशि के अंदर क्या है, डुअलिटी है, और ये मोक्ष त्रिकोण की एक राशि, ये मोक्ष देती है, मोक्ष देती है, मुक्ति देती है, ये मुक्त करती है आपको, इसलिए सेपरेट भी कर देती है, डुअलिटी है, सेपरेशन है, ठीक, मुक्त करती है, मोक्ष देती है, खर्चा है, इंट्यूशन है, ये स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंट्यूशन भी है, इंट्यूटिव है ये राशि, क्योंकि वाटर साइन है, दो मछलियां एक दूसरे की तरफ जाती है। काल पुरुष कुंडली की अंतिम राशि होने की वजह से आप देखिए कि केतु मीन राशि में स्वराशि का माना गया है, बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हैं शास्त्रों में, केतु मीन राशि का, मीन राशि आपके पांव है, यानी कि ये झुकने की राशि है, बो डाउन, तो खर्चा एंड लॉस भी है, जैसे 12वां भाव बहुत सारी चीजों का है, स्पिरिचुअलिटी का है, आध्यात्मिकता का है, लॉस का है, आइसोलेशन का है, जेल का है, सेपरेशन का है, किसी चीज से सेपरेट करना, मोक्ष का भी है, लेकिन वो मैनिफेस्ट क्या हो रहा है, कौन सी चीज मैनिफेस्ट हो रही है इतने सारे कारक तत्वों में से, वो डिपेंड करता है कंजंक्शंस पे, क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन हम राशि जो पढ़ते हैं उसके अंदर डुअलिटी है, फ्लक्चुएशन है, और सेपरेशन है, इंट्यूशन है, इसके अंदर मोक्ष है, सेपरेट करता है, जंक्शन है, बेसिकली दो चीजों का जंक्शन। मैंने बहुत कहा कि मीन राशि अलाहाबाद का संगम है, जहां पे गंगा और नदी और भागीरथी, क्या है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, वो भी क्या है, वो भी एक संगम है, दो नदियां जहां मिल रही है, वो भी मीन राशि है, या वो केतु है। मीन राशि में बुध नीच का होता है, कालपुष कुंडली का तीसरा, तीसरे भाव का स्वामी 12वें में जाकर के नीच हो जाता है। मरकरी आपका अलर्ट माइंड है, क्यूरियोसिटी है, मीन राशि आपका डिवोशन है, इंट्यूशन है, इसलिए राइटर बनने के लिए मरकरी डेबिलिटेड अच्छा होता है, बाहर की चीजें, स्पेस से कोई चीज कनेक्ट करना, थॉट प्रोसेस बाहर से आना, बहुत इमेजिनेटिव होना, फिर उसको लिखना, स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर होना, हैरी पॉटर जैसी मूवीज बनाना, या वो लिखना, कविता लिखना, इसके लिए आपको थर्ड लॉर्ड 12वें में चाहिए, मरकरी 12वें में चाहिए, मरकरी डेबिलिटेड चाहिए। हालांकि मरकरी डेबिलिटेड क्या इंडिकेशन देता है, कि आदमी लॉस्ट है, कि कहीं खोया हुआ है, ये बाहर के भी अच्छे साइंटिस्ट और रिसर्चर हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन बहुत होता है इनका, मरकरी जब पाइसिस में होता है, मीन राशि में होता है, इनका सिक्स्थ सेंस काम करता है, लॉजिक ना हो, भले लॉजिक नहीं है इनको मालूम, बस काम है, ये ऐसा है तो ऐसा है, भले ही ज्यादा गेन नहीं है। अब मीन राशि लॉस की राशि है, तो कम्युनिकेशन का लॉस, बात करते करते कहीं और पहुंच जाना, भूल जाना कि अरे कहाँ चला गया, इधर से उधर चले जाना, है ना, माफ अच्छा कीजिएगा भटक जाता हूँ, वो जो मेम्स चला था, क्यों गौरव जी, कौन सा मेम्स था वो, मेम्स बोलते हैं, मीमे बोलते हैं, मेम्स बोलते हैं, क्या था वो, अच्छा है ना, पाकिस्तानी जो शो है उसमें वो, है ना, यस सर, भटक मुझे जाता एक्चुअल में स्माइल स्माइल इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरा बुध डेबिलिटेड है, 12th साइन है, इसलिए हाँ, तो तो आप मीन जो राशि बातें बोल में, रहे थे वो मैं कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इंट्यूटिव होंगे आप, बाहर ज्योतिष इन सब चीजों के लिए अच्छा है, रिसर्च इन सब चीजों, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स भूल जाए, डॉक्यूमेंट का लॉस, पेन खो जाते हैं लोगों के, गुम हो जाते हैं, भूल गए मैं क्या लिखा, बोलते बोलते कहीं और पहुंच गया, कहीं और अब्सेंट हो गया, वहां से कहीं और ही जगह से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करता है, वो आसमान से उसको कोई बता रहा होता है, तो वो बोलने लगा तो वो सुपर कॉन्शियसली बोलने लगता है, मीन राशि सुपर कॉन्शियसनेस की राशि है भाई, सुपर कॉन्शियसली बोलने लग गया, लिखने लग गया, तो लिखने लग गया, मरकरी भले ही डेबिलेटेड है, नीच का मतलब ये जरूरी नहीं है, ना 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 ना, जरूरी नहीं है कि खराब हो गया, एक आदमी कहने लगा यूट्यूब पे, अरे ग्रह व्रह तो ठीक है, कुछ नहीं है ना,
इवन द डेवलेटेड प्लैनेट और कम्बस्टेड हो चार्ट के अंदर तो भी व्यक्ति राजा बन सकता है, दम चाहिए। मैंने कहा बस ये लाइन तुमने बोल दी तो इसका मतलब तुम्हें ज्योतिष नहीं आता बाबू, इसका मतलब तुम उन्हीं कैटेगरी में हो जिनको ये लगता है कि वो ज्योतिष पढ़े हैं, ज्योतिष करे हैं, लेकिन नहीं समझ में आया कि डेवलेशन फॉल नीचता का मतलब ये है ही नहीं भाई साहब कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। एनर्जी क्या बना, वो फॉर्म क्या ले रहा है एनर्जी, दीज आर एनर्जी पॉइंट्स, राशि क्या है, एनर्जीज हैं ये, प्लैनेट्स क्या है, एनर्जी दो मिलकर के तीसरी क्या बना रहा है, इस ये होता है रिजल्ट, नेगेटिव या डिनाई नहीं होता है। अच्छा सीधी सी बात है, मर्करी जब डेबिलिटेड हो जाता है तो आदमी डाउट डाउटफुल कम हो जाता है, डिवोशन ज्यादा आ जाता है। इसीलिए जब कहते हैं कि वर्गो में जब चीजें बहुत ज्यादा हो आपके अंदर, डाउट हो, क्वेश्चनिंग ज्यादा हो, तो आपको पाइसिस को डेवलप करना चाहिए, उससे ऑपोजिट से शक्ति लेनी चाहिए, उसको ऑपोजिट को डेवलप करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ, डिवोशन की तरफ, फेथ की तरफ, सीधी सी बात है, एकांत की तरफ, समझना, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पहले, तब क्वेश्चनिंग करना, मीन राशि की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीन राशि विष्णु जी के चरण है, सरेंडर। तो इसलिए मरकरी डेबिलेटेड होता है तो क्या होता है, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाना, उसमें नाम का प्रॉब्लम आ जाना, नाम का प्रॉब्लम आ जाना, नाम क्या है, गौरव कामी किशोर रथी है ना, यस सर, गौरव कमल किशोर राशि सर। ठीक है, तो कोई कमल बोल रहा है, कोई किशोर बोल रहा है, कोई गौरव बोल रहा है, देखो डुअलिटी, देखो मर्करी इन द डेवलेशन साइन, तीन तीन नाम है, गौरव भी, कमल भी और किशोर भी। सर फादर का नेम कमल किशोर है। वो ठीक है ना, लेकिन आदमी तो सोचेगा ना कि दो दो तीन तीन नाम है आदमी के, ठीक है, तो कई बार वो नाम की वजह से जो कंफ्यूजन होते हैं, अपनी किताबें, अपने डॉक्यूमेंट्स रख के भूल जाना, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली, दैट इज अ मर्करी डेब्लिशन, बुआ मासी के लिए खराब हो जाता है, उनका फॉल को इंडिकेशन करता है, जैसे जैसे नेटिव आगे बढ़ेगा फॉल की तरफ जाएंगे, उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, यार दोस्त छूटते चले जाएंगे, उनसे डिटैचमेंट मिलेगा, एकांत में रहना पसंद करेगा। बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि मर्करी डेबिलिटेड ये इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अपने दोस्त को हाइट से गिरता हुआ देखेगा नीचे, स्पेशली केतु हो तो उसके सामने हाइट से गिर जाता है बंदा, ठीक है ना, अगर केतु साथ में हो तो, बिकॉज केतु इज ऑल्सो हाइट, मार्स होगा तो इंजर्ड हो गया, तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं, अमीर बात समझे, जैसे मर्करी इन डेप, राइट मामा के लिए अच्छा नहीं है, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे मामा के, जब तक ये नीच भंग नहीं देता है, नीच भंग देना एक अलग चीज है, राइट ठीक है, जब ये नीच भंग हो जाएगा इसका, तो आपको मरकरी से जुड़ी हुई चीजें आपको फायदा देंगी, भले ही आप भूल जाते हैं, भले ही आप बोलते बोलते भूल जाते हैं, बोलते बोलते आप कहीं और भटक जाते हैं, डुअलिटी है थॉट प्रोसेस में, आप फेल हो जाएंगे या कंपार्टमेंट आ जाएगी आपकी, है ना, सप्ली होती है ना, जो आप क्या बोलते हैं कि एजुकेशनल फील्ड में आपने बदलाव कर लिया, जो आपने पढ़ा वो काम नहीं आया, आपने कुछ और ही किया, दैट इज मर्करी डेबिलिटेड, लेकिन आप हमेशा स्किल डेवलप करते रहते हैं, स्किल डेवलप करते रहते हैं, स्पेशली राइटिंग का, कम्युनिकेशन का, ये सारी चीज, इस पे काम करना है, डेवलेशन का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी है आपके अंदर, आप उस पे काम करेंगे तो मर्करी डेवलेशन ये इंडिकेशन देता है, केतु की राशि है इंट्यूशन देता है, समझ में आया। अच्छा अगर आप ये देखें, ये डेवलेशन है मर्करी का, तो आप ये देखते हैं कि जब यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठता है, जुपिटर, मैंने क्या किया, मीन राशि में मरकरी को चूज, जुपिटर क्या है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि काल पुरुष कुंडली का 9th लॉर्ड 12th में है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति ज्ञान है, गुरु है वो, किन चीजों, और मीन राशि व्यय की है, देने की है, क्या देगा वो, ज्ञान देगा वो, इसलिए वो अच्छे टीचर होते हैं जुपिटर मीन राशि, हॉस्पिटल में, गंगा संगम से, हॉस्पिटल से, संगम से, इलाहाबाद से, रुद्रप्रयाग से इनका कनेक्शन होता है, ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां कंजंक्शन होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका चौराहे पे ही
सारी चीजें होती हैं, घर वर्क प्लेस चौराहे पे योग। मीन राशि डुअलिटी है, नेटिव हमेशा डुअल माइंडेड होगा, एक साथ दो कामों में इन्वॉल्व होगा। जुपिटर जब मीन राशि में होता है, अब मोक्ष त्रिकोण की राशि है, इसकी पर्सनालिटी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में, त्याग की भावना, दानी प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि देने की राशि है। जुपिटर जीव कारक भी है, बेसिकली बृहस्पति ज्ञान है, तो किस चीज का व्यय करेगा, किस चीज का दान करेगा, ज्ञान का दान करेगा, कहाँ दान करेगा, रिलीजियस प्लेसेस में दान करेगा, ये इंडिकेशन दे क्या मीन राशि। देखिएगा ऐसे लोग जो जितने, जुपिटर क्या है, धार्मिक स्थान है, मीन राशि मैंने कहा संगम है, तो ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो कंजंक्शंस पे हैं, जो कॉन्फ्लुएंसेस कहते हैं ना, संगम या उस ऐसी जगहों पे है, ये इन्वॉल्व जुपिटर मीन राशि हो गया, इनसे इनका बड़ा संबंध हो सकता है। जो लोग इलाहाबाद या संगम के किनारे पैदा होते हैं, देवप्रयाग में पैदा होते हैं, ऐसी जगहों पर पैदा जहां नदियां मिल रही हैं, ऐसे लोग बड़े इंट्यूटिव और इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी है ना, इमेजिन करते रहना, जुपिटर मीन राशि, सरेंडर करना गुरुओं के प्रति, पांव बड़े होते हैं जब जुपिटर मीन राशि में होता है, तो भारी हो सकते हैं, है ना। एक्स्ट अगर राहु हो गया तो और ज्यादा पांव इस तरीके का, जैसे होता नहीं कुछ लोगों का पांव भारी हो गई, पांव भारी इन द सेंस वो अलग चीजें हैं, दैट वो अलग है। जब भारत में समबडी गेट प्रेग्नेंट तो वो कहते हैं पांव भारी, वो वाली बात नहीं है, वो होता ना डिजीज हो जाता है, एक ओवर एक्सपेंशन पांव का, दैट इज अ जुपिटर राहु इन पाइसिस। ठीक है, समझ में आया कि जुपिटर मीन राशि में किस चीज का वे करेगा, किस चीज का दान करेगा, किस चीज को खोएगा, ज्ञान को खोएगा। और आप देखिए कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो ये बेसिकली जुपिटर इन पाइसिस आपके ज्ञान का इन्वेस्टमेंट है वो। अब आप उसमें से रेमेडीज बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है, हिंट मैंने दे दी कि कैसे बनता है। अगर शनि मीन राशि का हो, शनि आपका कर्म कारक है, शनि आपका कर्म कारक है, मीन राशि डुअलिटी की राशि है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ शनि अपने नीच राशि की तरफ बढ़ रहा होता है, नीच अभिलाषी हो जाता है जब शनि मीन राशि का होता है, क्योंकि उसकी जो मेष राशि है वो नीच की है, तो यहाँ शनि मीन राशि में है, अंतिम उसमें है, व्यक्ति आइसोलेशन पसंद करता है, क्योंकि सैटर्न है, आइसोलेशन पसंद है, एकांत में काम करना पसंद करता है, डुअलिटी होती है उसकी लाइफ में, उसके काम में, उसके काम में डुअलिटी होगी, सैटर्न मीन राशि का होगा। हॉस्पिटल में काम करना, टीचिंग प्रोफेशन में काम करना, ये सैटर्न मीन राशि वाला दे सकता है, फॉरेन में काम करना, स्पेस से जुड़ी चीजों में काम करना, सैटर्न मीन राशि। ऐसे लोग जो एनजीओ या जिनका कोई मोटिव नहीं होता है, कि अपना कोई मोटिव नहीं होता, कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, सैटर्न मीन राशि, त्याग करना, काम, श्रम का दान करता है, सैटर्न मीन राशि क्या करता है, श्रम का दान करता है। श्रम श्रम इज फिजिकल हार्ड वर्क, कहते हैं ना श्रम दान करिए, मंदिर में जाइए, झाड़ू पोछा लगाइए, ये सब करिए, वो करिए, वो श्रम दान होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, तो सैटर्न मीन राशि में ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अगर यही सैटर्न मीन राशि का हो और मंगल केतु जैसा प्लैनेट यहां पर कोई प्रभाव डाल दे, तो ऐसे लोगों को पांव में बार बार चोट लगता है, ठीक है, समझ में आया। शनि मीन राशि क्या चीज ऐड हो रही है, मीन राशि की चीजें ऐड हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो काम का त्याग कर दे, काम यानी अपने प्रोफेशनल फील्ड को त्याग दे, कि मैं इस फील्ड में था अब मैं किसी और फील्ड में जाऊं, सैटर्न इन मीन राशि, क्योंकि मीन राशि क्या है, त्याग है, सरेंडर है। अब केतु मीन राशि का जब होता है, केतु मीन राशि का होता है, तो आप देखिए वहां स्प्लिट होगा, जिस भी भाव में होगा स्प्लिट करेगा, सेपरेट करेगा आपको, सैटर्न भी मीन राशि का कहीं ना कहीं सेपरेट करता है,
केतु भी मीन राशि का सेपरेट करता है, मेडिटेशन हीलिंग रेकी हीलिंग इसकी तरफ आपको लेके जाएगा केतु, एनजीओ में काम करना, केतु मीन राशि, डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए, छोटे जीवों के लिए काम करना जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, केतु मीन राशि मोक्ष देती है, जहां पर भी जाएगा मोक्ष 100% मिलेगा, क्योंकि केतु क्या है, वो अब्सेंट माइंडेड है, मतलब वो वहां से अब्सेंट हो जाता है, केतु मीन मीन राशि भी अपने आप में आइसोलेशन है, तो जहां पर भी जिस भाव में होगा चार्ट के अंदर, सेवेंथ हाउस में हुआ तो आप भले ही हो सकता है आपकी शादी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहां से मोक्ष देगा, कहीं ना कहीं आपको वहां से पास होते हुए भी आप दूर रहेंगे वहां उस चीज से। केतु मीन राशि का फोर्थ हाउस में है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी, बंगला, लग्जरी है, लेकिन पास हर चीज होते हुए भी आप उसका भोग नहीं करना चाहेंगे, आप मुक्त रहेंगे उस चीज, और आप हमेशा इनडिसाइसिव और स्प्लिट माइंडेड रहते हैं जहां पर भी केतु मीन राशि का होता है, इसलिए केतु मीन राशि का छठे भाव में होता है तो आपको रोग से मुक्ति देता है, रोग से मुक्ति देता है, ठीक है, सर्जरी देता है, रोग से मुक्ति देता है। मीन राशि जहां पर भी होगी, अभी हम पढ़ेंगे कि मीन राशि पहले हाउस में है तो क्या है, ठीक, तब ये बेसिक सी चीजें आप समझें। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि का होता है, चंद्रमा इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ मदर, मदर का लॉस, या मदर को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होना, बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव होता है, मून है ना मीन राशि में, डुअलिटी होती है माइंड में, इमेजिनेटिव ज्यादा होगा, इमेजिनेटिव ज्यादा होगा, क्योंकि मीन राशि इमेजिनेशन की राशि है, मीन राशि सबकॉन्शियस माइंड है, चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड का कारक है, इसीलिए ऐसे लोग किसी भी चीज की हैबिट जल्दी लग सकती है, ऐसे लोगों को डर फियर आइसोलेशन पसंद होता है, लेकिन डर और फियर भी, मान लीजिए इनके सामने कोई हाइट से गिर गया या कुछ हो गया, तो मैंने कहा कि रात को सपना आएगा, सपने में या नींद से उठेंगे, अरे मैं भी तो हाइट से गिर सकता हूँ, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में माइंड में जल्दी घुस गया, तो डुअल माइंडेड पर्सनैलिटी होता है चंद्रमा जब मीन राशि में होता है, ये लॉस या हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ मदर ये इंडिकेशन देता है, मदर का आइसोलेशन में रहना ये इंडिकेशन देता है, बिकॉज मून इज द मदर, मदर का हॉस्पिटल में या दानी प्रवृत्ति होना, दयालु प्रवृत्ति होना, खर्चीली प्रवृत्ति होना, ये मून इन मीन राशि। मैं अगर यहाँ पे आपका सूर्य मीन राशि का होता है, अब दो चीजें होती है, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये सीक्रेटली जो आप एंटरटेनमेंट करते हैं, सीक्रेटली दूसरों से छिपके जो आप एंटरटेनमेंट करते हैं, इसीलिए मीन राशि में क्या है, थिएटर की राशि है, थिएटर में चले जाइए क्या है, अंधेरा है, डार्क डार्कनेस है वहां पे, लेकिन आप एंटरटेन करते हैं, सामने पिक्चर चल रही, आप एंटरटेन कर रहे हैं, इसीलिए मीन राशि वो चीज भी है जो प्राइवेटली की जाती है, जो बिल्कुल एकदम की, क्योंकि 12वीं राशि है, शुक्र उच्च का होता है, ये फिजिकल प्लेजर को भी इंडिकेशन देता है, तो वो हमेशा आदमी प्राइवेट ही रखता है, उसको कोई एक्सपोज थोड़ी करता है, लेकिन अभी राहु मीन राशि में आया तो आप देखें क्या क्या होने वाला है दुनिया में, क्या क्या ही बनने वाला है, ठीक है, क्या पता एक नई इंडस्ट्री, नया एक एंटरटेनमेंट का एक सोर्स क्रिएट हो जाए, है ना, मूवीज और इन सब के लिए तो बून है एक तरीके से राहु मीन राशि का, तो जब तो मीन राशि किस चीज की है, प्राइवेटली चीजें जब आप करते हैं, तो मैं सूर्य जब मीन राशि का होता है तो बेसिकली उच्चाभिलाषी होता है, अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहा होता है, आगे जा रहा होता है वो, लेकिन सूर्य का मीन राशि में होना ये इंडिकेट करता है कि फादर के अंदर एक फादर कहीं और होना, जब आपका बर्थ हुआ तो फादर कहीं और थे, आपके साथ नहीं थे, या पिता का, पिता के अंदर दयालु प्रवृत्ति या देने की और त्याग की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, फादर को लॉसेस इंडिकेशन देता है,
फादर आइसोलेशन और एकांत में रहना पसंद करेंगे, डुअल माइंडेड पर्सनैलिटी होगा, एक साथ दो काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक होता है ना सूर्य मीन राशि का, वो अकेले ही घूमने निकल जाता है, क्या बोलते कहते हैं उसको, लोन वॉरियर कहते हैं या वो सोलो ट्रैवलर जो होते हैं, सोलो ट्रैवलर बोलते हैं सर, है ना, सोलो सन ट्रैवलर। मीन राशि का होंगे। हम सन मीन राशि का हो जाता है तो उच्चाभिलाषी होता है जरूर यहाँ पे। पिताजी बहुत इंट्यूटिव होंगे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो सकते हैं, हॉस्पिटल या ये सारी चीजों, पिता के साथ लॉसेस, पिता को लॉसेस और पिता के साथ चीटिंग वगैरह ये सब भी इंडिकेशन देता है यहाँ पे, बट वो और भी चार्ट के अंदर जो कंडीशंस होंगी उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब सूर्य आपकी आत्मा है, मीन राशि में है, मीन राशि मोक्ष की है, तो आत्मा हमेशा क्या चाहती है कि मुक्ति चाहेगी, कि मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन अगर ये शुक्र के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो आत्मा क्या है, भोग में है, फिर ये वो ऐसे हो जाता है, थिएटर वाली सिचुएशन बन जाती है कि आत्मा जो है भोग में है, अब भोग की तरफ भाग रही है, सूर्य मीन राशि का शुक्र के प्रभाव में। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं इट्स अ डिवोशन, इट्स अ दिस एंड दैट, ये है डिवोशन की राशि, लेकिन ये भोग की राशि भी है, 12वां भाव भी डिवोशन का है जी, लेकिन जरूरी नहीं है हर आदमी अब डिवोशन ही हो जाएगा, डिवोटेड ही हो जाएगा, वो एक अलग मैटर है, ये भोग की भी राशि है, तो भोग भी देता है, ये भोग में इन्वॉल्वमेंट देता है, उसकी वजह से फिर लॉसेस। तो सूर्य जब मीन राशि का होता है तो फादर टीचर हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, दयालु प्रवृत्ति देने की प्रवृत्ति, त्यागी प्रवृत्ति होती है, त्याग करने वाले, सेक्रीफाइस करने वाले, पिता के लिए आपको बहुत ज्यादा, आपको भी सेक्रीफाइसेस करने पड़े। सूर्य मीन राशि का होता है पिता का लॉस, लॉस ऑफ फादर जब अफ्लिक्टेड होता है तो लॉस ऑफ फादर, मून अफ्लिक्टेड होता है लॉस ऑफ मदर, मार्स मीन राशि का होता है लॉस ऑफ ब्रदर प्रॉपर्टी, और लॉसेस ड्यू टू प्रॉपर्टी और ब्रदर, मार्स मीन राशि का होता है, मार्स मीन राशि का अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मार्स अपने आप में फायर है, अग्रेशन है, मीन राशि सबकॉन्शियस माइंड की है, ठीक है, डीप रूटेड जो अग्रेशन हो जाते हैं, डीप रूटेड जो अग्रेशन हो जाते हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चीजें, ठीक है, वो मार्स मीन राशि इंडिकेट करता है। हालांकि मार्स मीन राशि का एक इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाता है, मार्स वाटर साइन में इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है, मार्स मीन राशि में है तो ये आपको रिजल्ट हो सकते हैं, पाँव में इंजर्ड होना, बार बार इंजरी होना, कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है आपको मार्स, क्योंकि मार्स इंजरी है, मार्स इंजरी, बड़ा भाई छोटा भाई क्या हो सकता है, फॉरेन में हो सकता है, हॉस्पिटल में काम करने वाला हो सकता है, ख्याली दुनिया में रहने वाला व्यक्ति, ये सारी चीज, आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव रहेंगे अपने प्रॉपर्टी और हाउ टू यूज योर करेज है, लेकिन कैसे कैसे करें, कैसे एक्ट करें, दैट इज मार्स इन मीन राशि, तो डुअलिटी है इसके अंदर, ठीक है ना, आप मेरी बात समझे, ये ठीक ऐसे हो जाता है जैसे मीन राशि समंदर की राशि है, मार्स वेपन को रिप्रेजेंट करता है, मार्स वॉर को रिप्रेजेंट करता है, तो मार्स मीन राशि का एक वो हो गया, नेवी, नेवी को आप समझिए जो पानी में रहते हैं, वॉरशिप, मार्स मीन राशि, अभी राहु मीन राशि का है, मार्स उसके त्रिकोण में गोचर कर रहा है, सो नेवी से रिलेटेड वॉर या मतलब पानी से, मतलब अभी जो लड़ाई है वो क्या है, लैंड वायु और थल मतलब लैंड पे है, हो सकता है अब वो उस सीन में पहुंच जाए, मार्स इन द मीन राशि, मार्स मीन राशि ये इंडिकेशन देता है, जो व्यक्ति फुटबॉल खेलता है ना, पावर, पाँव से जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा करता है, दौड़ता है, जॉगिंग करता है, मार्स मीन राशि का होता है, मीन राशि आपके पैर हैं, मार्स आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ पर है, पाँव में है, ठीक है, समझ में आया, मार्स मीन राशि, इसके अलावा
राहु मीन राशि का होता है। राहु जब मीन राशि का होता है तो बहुत इल्यूजन आपको दे सकता है, ख्याली बना सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बाहर की दुनिया फेक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको अट्रैक्ट करता है राहु मीन राशि। हालांकि राहु इज द ड्रैगन माउथ, मीन राशि विष्णु जी के चरण है, या क्षीर सागर एक तरीके से है मीन राशि। तो उसमें क्या है, राहु मीन राशि में ऐसे समझ लीजिए शेषनाग है जो लेटे हुए हैं, कहाँ पे, क्षीर सागर में। राहु मीन राशि का वो भी है, वो बहुत सारे तंत्र, रिचुअल्स, ज्योतिष, ऑकल्ट, इनोवेशन, इसकी तरफ भी आपको लेके जा सकता है, दैट इज राहु इन मीन राशि। लेकिन नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, एकदम पूर्वाभास हो जाता है इसलिए नेगेटिव चीजों का। केतु का इंट्यूशन एक है वो प्योरिटी, या देखो राहु और केतु ना उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, अदृश्य जो देवी शक्तियां या दैविक या दानव रूपी जो शक्तियां होती है ना, बहुत सारे अदृश्य शक्तियां होती हैं हमारे आसपास, मतलब एनर्जीज होती हैं। एक होता है बहुत पॉजिटिव, जैसे यक्ष हो गया या देवता हो गया, किसी भी फॉर्म में वो केतु रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी एनर्जी का की वजह से जो आपको पूर्वाभास होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हैं, बहुत इंटेटिव हो जाते हैं, वो केतु है। लेकिन जो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव हो जाता है, जैसे तंत्र वगैरह से इनको बहुत ज्यादा एकदम से प्रभावित होना, एकदम इल्यूजन क्रिएट हो जाना किसी चीज को लेकर के, फियर फ्रॉम वाटर, राहु मीन राशि का ये इंडिकेशन देता है कि आप स्पेशली नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत लंबी लंबी यात्राएं करवाएगा आपको, दूर दूर की यात्राएं करवाएगा, स्पेशली रिलीजियस जर्नीज करवाएगा। क्योंकि मीन राशि, अब मीन राशि आप सोचिए, अब देखो मीन राशि क्या होता है, राहु फॉरेन कम्युनिटी है, आप मीन राशि को कैसे इस्तेमाल करते हैं, राहु फॉरेन कम्युनिटी है, डिफरेंट कास्ट कल्चर है, ठीक है। मीन राशि लॉसेस की है, देने की है, एक्सपेंडिचर की है, तो किसकी वजह से लॉसेस और किसकी वजह से एक्सपेंडिचर, या किसके ऊपर लॉसेस या किसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स को दिखा रहा है, राहु। किसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लिब्रा असेंडेंट है, लिब्रा असेंडेंट में राहु सिक्स हाउस में है, छठा भाव रोग का है, शत्रु का है, मीन राशि व्यय का है, लॉस का है, राहु डिफरेंट कम्युनिटी है, आपका एक जो कंपटीटर होगा, जो शत्रु होगा, वो डिफरेंट कास्ट कल्चर का होगा, उसके ऊपर आपका खर्चा होगा या उसकी वजह से आपकी हार होगी या लॉसेज होंगे, ये यहां से निकल के आया ना। वो तो सिक्स लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, लगन लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, आप एनिमी को लॉसेस देंगे या एनिमी आपको लॉस देगा, वो भी डिफरेंट कास्ट कल्चर का है, राहु है क्योंकि वहां पे, वो दोनों अलग चीजें हैं, निर्भर करती हैं। लेकिन मैंने क्या किया, प्लैनेट साइन और हाउस को ब्लेंड कर दिया। राहु मीन राशि का फोर्थ हाउस में है, फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर खर्चा, या फॉरेन जाना, फॉरेन जाने के लिए खर्चे, फॉरेन की वजह से खर्चे देगा, अननेसेसरी आपको फॉरेन जाना पड़ रहा है, क्योंकि राहु फॉरेन है, मीन राशि भी खर्चे का है, फोर्थ हाउस किसका है, घर का है, फॉरेन सेटलमेंट का है, रहने का है, तो फॉरेन में रहने के लिए जो खर्चा, दैट इज राहु मीन राशि फोर्थ हाउस। क्या किया हमने, तीनों चीजों को ब्लेंड कर दिया, राशि, हाउस एंड प्लैनेट। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सिर्फ राशि और उसके ब्लेंड कर रहा था मैं कार्य तत्व। अब थोड़ा आगे बढ़े, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, वीनस मीन राशि में उच्च का होता है, तो ये क्या इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति खर्चीला स्वभाव होगा, पैसे के लॉसेस, पैसे के खर्चे ज्यादा करता होगा, मतलब बहुत सारे जो फिजिकल प्लेजर है, कंफर्ट है, उसके ऊपर खर्च करना, कपड़ों के ऊपर खर्च करना पसंद करता होगा। वीनस मीन राशि, शुक्र मीन राशि में है, इसको हमेशा क्या चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, अच्छे क्वालिटी का, सब कुछ चलेगा लेकिन कपड़ा अच्छा चाहिए, जूता अच्छा चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। अब ये इंडिकेशन ये देता है, फॉरेन से इनकम, पत्नी के ऊपर खर्चा, पत्नी के ऊपर खर्चा, वीनस, प्लस महिलाओं के ऊपर खर्चा, शुक्र से रिलेटेड चीजों पे खर्चा, या उसकी वजह से लॉसेस, दोनों चीजें इंडिकेशन दे रहा है ये। बिकॉज अभी क्या है, अभी प्राइम फेसिया हम सिर्फ समझ रहे हैं राशि का सिग्निफिकेशन, हो सकता है ये बहुत ज्यादा डिवोटेड हो, किसी देवी का उपासक हो, डिवोशन टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन जरूरी नहीं है। शुक्र मीन राशि में उच्च का है, अफ्लिक्शन में चला गया,
तो बहुत ज्यादा भोग में इन्वॉल्व करेगा इसको, बेड प्लेजर में, थिएटर में लेके जाएगा। शुक्र मीन राशि का बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के चार्ट में मिल जाएगा आपको, थिएटर आर्टिस्ट के चार्ट में मिल जाएगा। अपना वैल्यू ज्यादा आंकता है, खुद की वैल्यू शुक्र है कि मेरा कोर्स है तो 5 रुपए का, मेरी टेक्निक 5 रुपए की है, लेकिन 50,000 में बेचूंगा जी। वीनस एग्जॉल्टेड, जैसे वीनस मीन राशि का है तो क्या करता है, पत्नी का हॉस्पिटलाइजेशन, पत्नी का फॉरन, ये हो सकता है पत्नी से सेपरेशन। भगवान राम का वीनस एग्जॉल्टेड 9th हाउस में, पत्नी से सेपरेशन, भले ही पत्नी डिवोटेड थी, वो थी सारी चीजें थी, गुरु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। पत्नी फॉरन चली गई तरीके से, दैट इज अ वीनस इन एग्जॉल्टेड। अब वीनस आपकी कुंडली में क्या है, वीनस आपकी कुंडली में पैसे का है, धन का है, 12वां मीन राशि इन्वेस्टमेंट की हो गई, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे धन कमाते हैं, दैट इज वीनस इन मीन राशि। समझ में आया, पैसा कहां से आएगा, खर्च कैसे होगा, कैसे हम प्लैनेट की सिग्निफिकेशन के साथ राशि को इस्तेमाल करते हैं। अब वीनस मीन राशि का बहुत सारे लोग ये सोचते हैं एग्जॉल्टेड है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी 2 शादियां होती है, डुअलिटी है ना, उनके चार्ट में वीनस मीन राशि का होता है, वो तो योग होते हैं चार्ट के अंदर, 7th हाउस, 7th लॉर्ड, शुक्र अफ्लिक्शन में है, नमाश में कैसा है, वो सारी चीजें, फिर वो क्योंकि डुअलिटी है भाई। लेकिन प्राइम फेसिया तो हम यही सीखेंगे ना कि प्लेनेट और साइन को ब्लेंड कैसे करते हैं राशि के साथ। वीनस मीन राशि में ऐसे हो जाता है जैसे विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी, वीनस लक्ष्मी है, मीन राशि विष्णु जी के चरण है। ठीक है ना, आप इमेजिन करिए उसको, चरणों में रहना बुरी बात नहीं, चाहे आप अपनी पत्नी के चरणों में रहें, चाहे पत्नी आपके चरणों में रहे, इट्स अ डिवोशन, इट्स अ सरेंडर, सेवा भाव, इसीलिए रिलेशनशिप में सेवा भाव चलता है। तो इसीलिए सब आज अपने अपनी पत्नी के चरणों में रहेंगे, है ना, क्लास के बाद 1 घंटा आप उनके चरणों में रहें और फिर उसके बाद वो आपके चरणों में रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के चरणों को धोई है, ठीक है, साथ बहुत सारे लोग रेमेडी देते हैं ना। गुरु जी, क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ एक? जस्ट 1 मिनट ना, मैं मुझे कवर करने दीजिए, थॉट प्रोसेस है, मीन राशि की बात है, मैं भी लॉस्ट हो जाऊंगा, बस 2 सेकंड रुक जाइए, हो जाऊंगा क्या मैं, तो हो गया, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मीन राशि डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है आपको, आप खो सकते हैं कहीं पे, किसी के प्यार में गिर जाना है ना, किसी के प्यार में खो जाना, वीनस एग्जॉल्टेड, अच्छी बात है, वीनस एग्जॉल्टेशन डजंट मीन प्रॉमिस ऑफ समथिंग कि हाँ ये मिल ही जाएगा, उसके वेरियस पैरामीटर्स हैं, लेकिन हम प्लेनेट और राशि को ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है, समझ में आया कि कैसे हमने प्लैनेट्स के कारक तत्व को ब्लेंड किया, क्या इसमें कालपुरुष कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है, सैटर्न इन मीन राशि इज लाइक अ 10th लॉर्ड इन द मीन राशि, ऐसे, ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें, ये बिजनेस करना, सैटर्न मीन राशि, बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट में होगा, एनेस्थीसिया जो देते हैं दूसरों को, इंजेक्शन लगा के दूसरे लोक में भेज देते हैं, मीन राशि का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि मीन राशि क्या है, सुलाने की राशि है, सुला दिया जाए इसको, है ना, वो यहाँ पे है इस दुनिया में, लेकिन उसको फील नहीं हो रहा है कुछ भी, उसको फील कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसका पेट फटा हुआ, अपना पेट देख रहा है, अरे चीरा लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये होती है मीन राशि। तो एनेस्थीसिया जो देते हैं ना डॉक्टर्स, उनके चार्ट में सैटर्न मीन राशि का पाया जाता है, उनका काम है दूसरों को अब्सेंट माइंडेड कर देना, वहां से अब्सेंट कर देना, इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना बहुत सुपर कॉन्शियसली चलते हैं, मतलब उनको दर्द वर्द का अनुभव एकदम भूल जाते हैं, सर दीवार में बजा करेंगे आप उसको डिस्टर्ब, ये देखिए डॉग,
वो देखेगा, भूल जाएगा कि सर ठीक, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, वो कॉन्शियस एक्टिव होने लगता है, वो महसूस करने लगता है सब। मीन राशि का कमाल, इसलिए मीन राशि में कई बार होता क्या होता है, बच्चे रिपीट करते हैं, जैसे दीवार में बजा तो खुद भी मारेंगे, ट्राई करेगा क्या हो रहा है, दोबारा फील लेने के लिए, इसलिए करते बच्चे। इसलिए बच्चे रिस्पॉन्ड एकदम से नहीं करते हैं, कोई बच्चे स्पेशली मीन राशि में उनका थर्ड हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में या मरकरी डेवलेटेड हो जाए, एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आप उसको बोलेंगे टाटा बेटा टाटा करो, तो कुछ भी सोचता रहेगा, उतने को सामने वाला टाटा करके निकल जाएगा, फिर बाद में करेगा टाटा, है ना। दैट इज रिस्पॉन्ड करना, थोड़ा चीजों को, आप मेरी बात समझे, क्योंकि मरकरी डेवलेटेड होता है 12वें मतलब मीन राशि। एनी हाउ, ये था मीन राशि, प्लेनेट इन मीन राशि कैसे होता है। अब हम मीन राशि का 12वें भाव में अध्ययन करेंगे, जिसके मीन राशि में सब कुछ होता है, बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, आप जीवन में त्याग और आइसोलेशन एकांत, ये आपके जीवन का थीम बन जाता है। मीन राशि आपको मुक्त करती है, बेसिकली शुक्र मीन राशि में पीड़ित है तो रिलेशनशिप पत्नी के कर्म से मुक्त करेगी आपको, शनि मीन राशि में है तो आपके कर्मों से मुक्त करेगी आपको, आप आपके जो कर्म होंगे वो निष्काम कर्म आप करेंगे, विदाउट एक्सपेक्टेशंस करेंगे, ठीक है। सूर्य मीन राशि में है तो पिता से जुड़े हुए कर्म, पिता से जुड़ी हुई चीजों से आपको मुक्त करेगा, जो भी ऋण होगा उससे मुक्त करेगा, डिवोशन आपको बहुत डिवोटेड बना सकता है अपने पिता के प्रति, अगर सूर्य मीन राशि का है वो, तो एफ्लिक्शन हो तो कुछ भी हो सकता है, बट प्राइम फेसिया क्या है, सूर्य मीन राशि का, पिताजी एकांत आइसोलेशन में चले गए, जंगल में चले, ऐसे समझिए राजा जंगल में चला गया, आइसोलेशन में चला, सूर्य मीन राशि का वहां पे तपस्या कर रहा है, वहां पे ध्यान में है मीन राशि, ठीक है। अटमोस्ट जो अचीवमेंट है, परमात्मा को जो पाना है वो मीन राशि में ही पाता है ना आदमी, डाउट षड्रिपु इन सब से दूर हो करके, किसी चीज किसी बाहरी चीज से प्रभावित ना हो करके, उसको फील ना करके, ध्यान सिर्फ एक जगह लगाता है, सरेंडर कर देता है, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ मीन राशि, ठीक है, समझ में आया। चलिए पूछिए सवाल संध्या जी।